नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल स्त्रीय प्रबंधन और बिजनेस क्विज समर्थ और समृद्धि में राउरकेला इस्पात संयंत्र की दोनों विजेता टीमों से संयंत्र गौरवान्वित। और सेल आरएसपी द्वारा व्यावसायिक पढ़ाई करने वाले छात्रों को 12.6 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की दो टीमों ने सेल प्रबंधन और बिजनेस क्विज MBQ 2020 समृद्धि और समर्थ में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। क्रमशः 8 और 10 फरवरी को प्रतियोगिताओं को ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया गया था। कार्यालय परिचारक सामग्री प्रबंधन विपणन सुश्री सगुफ्ता अख्तर और वरिष्ठ कार्यकारी सहायक सामग्री प्रबंधन प्रपणन श्री प्रशंजित नायक की टीम ने समर्थ MBQ प्रतियोगिता के कर्मचारी वर्ग के विजेता उभरकर उभरे। विभिन्न सेल इकाइयों की टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसी प्रकार महिला कार्मिकों के लिए विशेष तौर पर आयोजित समृद्धि MBQ क्विज में वरिष्ठ प्रबंधक CCW सुश्री दिव्या दास और प्रबंधक रिफ्रैक्ट्रीज इंजीनियरिंग सुश्री कविता विश्वय विजेता रहीं। इस आयोजन में विभिन्न सेल इकाइयों की सभी 11 टीमों ने भाग लिया था। दोनों टीमों को एक ट्रॉफी और 20,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। गौरतलब है कि कॉरपोरेट HRD द्वारा इंटरप्लांट यूनिट सेल स्तरीय प्रबंधन और बिजनेस क्विज का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का उद्देश्य कार्मिकों को व्यवसाय विकास, नई प्रबंधन अवधारणाओं, व्यावसायिक व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण और वर्तमान मुद्दों, इतिहास और सेल की विरासत के बारे में अपने ज्ञान और जागरूकता को विकसित करने में मदद करना है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए व्यावसायिक अध्ययन को आगे बढ़ाने की दिशा में 42 छात्रों को 12.6 लाख रुपए दिए गए। 12 फरवरी को इंस्टीट्यूट फॉर पेरिफेरल डिपार्टमेंट सेक्टर 20 में आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक A&I एवं C&IT सुश्री अताशी प्रमाणिक ने उनमें से 15 छात्रों को प्रशंसा पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी CSR श्री MB अप्पाराव, अन्य अधिकारी, स्टाफ और छात्रों के अभिभावक मौजूद थे। यह राशि 42 छात्रों के बैंक खातों में ऑनलाइन रूप से वितरित की गई थी, जिनमें से 10 छात्र वर्ष 2017-18 बैच के हैं, 12 छात्र 2018-19 बैच के हैं और 20 छात्र 2019-20 बैच के हैं। श्री MB अप्पाराव ने स्वागत भाषण दिया। उप महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा ने इस कार्यक्रम का समन्वय किया। उल्लेखनीय है कि ये छात्र उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के निवासी हैं, जो एकीकृत दोहरी डिग्री MTech सहित इंजीनियरिंग, चिकित्सा या कृषि में स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें से कुछ इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि व्यवसाय, प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। ये सभी आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के हैं। प्रत्येक छात्रों को ऑनलाइन दी जाने वाली वार्षिक किस्त 30,000 रुपये है। गौरतलब है कि RSP 4 वर्ष की अवधि के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 1,50,000 रुपये की राशि 5 साल की अवधि वाले पाठ्यक्रम के लिए दी जाती है और 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों के लिए 60,000 रुपये प्रति छात्र दी जाती है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।